Everyone knows if you take a job working with the Indian team, you can't be involved with an IPL team, so it takes that out of it as well. And a national head coach is a sort of 10 or 11 months of the year job. And as much as I'd love to do it, I just don't, it just doesn't fit into my lifestyle right now and the things that I really enjoy doing. So. Namaskar, swagat hai aapka Air News mein. आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर क्या वजह है जिससे हाल ही में दो बड़े पूर्व स्टेडियम खिलाड़ी ने यह खुलासा करते हुए बताया कि BCCI ने उन्हें इंडियन कोच के लिए अप्रोच किया था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वह इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं। आइए जानते हैं पूरी खबर को। सबसे पहले तो बता दें कि BCCI के अध्यक्ष शाह का बयान आता है जिनमें उन्होंने कहा, हमारी राष्ट्रीय टीम के लिए सही कोच ढूंढना एक सावधानी पूर्वक और गहन प्रक्रिया है। हम ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट संरचना की गहरी समझ रखते हैं और रैंकों में आगे बढ़े। उसके बाद पोंटिंग ने अपने बयान में कहा कि उनसे यह पद संभालने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि यह अभी उनकी जीवन शैली के अनुरूप है। पोंटिंग ने कहा, मैंने इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट देखी हैं। ICC समीक्षा आम तौर पर ये चीजें सोशल मीडिया पर आपके बारे में जानने से पहले ही सामने आ जाती हैं, लेकिन IPL के दौरान कुछ छोटी मोटी आमने सामने की बातचीत हुई थी। सिर्फ मेरी रुचि जानने के लिए कि क्या मैं ऐसा करूंगा। मैं एक राष्ट्रीय टीम का वरिष्ठ कोच बनना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे जीवन में अन्य चीजें हैं और मैं घर पर थोड़ा समय बिताना चाहता हूं। हर कोई जानता है कि यदि आप भारतीय टीम के साथ काम करते हैं तो आप किसी IPL टीम में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे भी इससे बाहर कर दिया जाएगा। भारत में कोचिंग का काम करने का मतलब घर से 10-11 महीने दूर रहना भी, लेकिन पोंटिंग ने कहा कि उनका परिवार इसके लिए तैयार है। शाह ने भारत के मुख्य कोच के पद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित नौकरी बताया और कहा कि इसके लिए उच्च स्तर की व्यावसायिकता की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच से ज्यादा प्रतिष्ठित कोई भूमिका नहीं होती। टीम इंडिया के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़ा प्रशंसक आधार है जिसे वास्तव में बेजोड़ समर्थन प्राप्त है। हमारा समृद्ध इतिहास, खेल के प्रति जुनून इसे दुनिया की सबसे आकर्षक नौकरियों में से एक बनाता है। यह भूमिका उच्च स्तर की व्यावसायिकता की मांग करती है क्योंकि व्यक्ति को दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का पोषण करना होता है और प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की एक श्रृंखला तैयार करनी होती है। भारत अभी भी अपने नए कोच को ढूंढने में लगा हुआ है और हमें उम्मीद है कि BCCI और जय शाह इस पद के लिए एक सही व्यक्ति का चयन करें जो कि आगे आने वाली वर्ल्ड कप तक इस टीम का कार्यभार संभालते हुए हमें साउथ अफ्रीका में होने वाले 2026 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक सही रणनीति से हमारी टीम को जीतने के लिए एक सही आकार। तो यदि हमारी आज की खास रिपोर्ट इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।